हजारीबाग के एसपी मनोज रतन चौथे ने हजारीबाग जिले के साइबर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए अच्छी पहल शुरू की है, जिसमें सूचना मिलने पर उनके निर्देशानुसार एक्टिव हुए पुलिस अधिकारियों को हजारीबाग में सक्रिय एक ऐसे ही नेटवर्क को तोड़ने में सफल रहे, जो न केवल हजारीबाग बल्कि झारखंड, राजस्थान और हरियाणा के लोगों को अपनी जाल में फंसा कर उनसे वसूली कर रहा था। इस बाबत एसपी रतन चौथे ने बताया कि साइबर अपराधियों के बाबत जब सूचना मिली तो सदर डीएसपी महेश प्रजापति के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। छापामारी के बाद चार युवकों के बारे में पता चला, जिसमें दो पकड़े गए और दो भागने में सफल रहे। पकड़े गए युवकों में सूरज नायक, बेलकप्पी गोरहर और हेमंत कुमार दास मासीपीढ़ी बरकट्ठा शामिल है। बताया कि इन्होंने अपनी जुर्म स्वीकार किया। ये भी बताया कि फर्जी सिम खरीदकर दूसरे के आईडी से वेबसाइट बनाकर लोगों से वे संपर्क करते हैं और उनके डिमांड के बाद जिसे पैसे मिलता है उनका व्हाट्सएप ब्लॉक कर लेते हैं और जिनसे नहीं मिलता है उनके चैट सार्वजनिक करने की बात कह पैसा उगाही करते हैं। बदनामी के डर से अनैतिक चैट के बाबत ये वसूली कर लेते हैं। एसपी ने बताया कि गोरहर और बरकट्ठा में ऐसे साइबर गैंग सक्रिय हैं और सभी को नेस्त नाबूद किया जाएगा। वहीं इस तरह के रैकेट में शामिल लोगों की संपत्ति जाँच कर उसकी जब्ती के लिए ईडी को लिखा जाएगा। कहा कि ऐसे नेटवर्क को धाराशाही करने के लिए ट्रेंड अफसरों को फील्ड में लाया जाएगा। वहीं साइबर सेल को सक्रिय किया जा रहा है कि वह नजर रखे। लोगों से भी अपील होगी कि वे सस्पिशियस वेबसाइट पर ना जाएं, ना ही ऐसे कोई लिंक पर क्लिक करें, जिससे उनका फोटो या वीडियो लेकर ऐसे लोग उनकी प्रतिष्ठा के बदले वसूली कर सके। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 9 मोबाइल, 13 एटीएम कार्ड और एक लैपटॉप बरामद भी किया गया है। एक गुप्त सूचना मिली थी, कोरा थाना अंतर्गत एक लाखे नाम की जगह है, वहाँ पे कुछ साइबर क्रिमिनल्स कुछ साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। उस सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डीएसपी सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ था। उस टीम द्वारा इस सूचना का सत्यापन करते हुए छापामारी किया गया। छापामारी के स्थल पर चार लड़के पाए गए, जिसमें से दो व्यक्ति भाग गए। दो व्यक्तियों को खदेड़ कर हमारे जवानों ने पकड़ा। पूछताछ के पश्चात उन्होंने अपना नाम सूरज कुमार नायक और हेमंत कुमार दास बताया। ये बेसिकली जिन एक्टिविटी में संलिप्त है, ये एक स्कोका नाम से एक्टिविटी यहाँ पे फेमस है हजारीबाग और बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में। इसमें ये लोग मासूम भोले भाले लोगों को एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पे पहले अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, बाद में उनके इनोसेंस का फ़ायदा लेके इनसे पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं, जिसे आप सेक्सटॉर्शन भी कह सकते हो। और यदि सामने वाला व्यक्ति अगर पैसा नहीं देता है तो वो उसे ब्लैकमेलिंग भी करके, जो स्क्रीनशॉट्स है उसका स्क्रीनशॉट्स का फ़ोटो उनको भेज के ब्लैकमेलिंग करते हैं, और ब्लैकमेलिंग के ज़रिए भी पैसा वसूलने की ये बात सामने आई है। इन्होंने अपना जो जुर्म है वो स्वीकारोक्ति बयान में कबूला है। इसके अतिरिक्त दो और व्यक्ति है जो भागने में सफल रहे, जिनको हम लोग अभी पकड़ने के लिए छापामारी लगातार कर रहे हैं। खास करके इस तरह का जो रैकेट है, ये हजारीबाग जिले के गोरहर और बरकट्ठा थाना क्षेत्र में काफ़ी अभी एक्टिव है, और हमारा प्रयास यही है कि इस पूरे रैकेट को हम लोग नेस्तनाबूद करेंगे। जितने लोग इसमें शामिल है उनको हम लोग जेल और सलाखों के पीछे भेजेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि ये स्कोका या इस तरह के साइबर क्राइम के रैकेट में जितने भी व्यक्ति संलिप्त है, उन सभी के संपत्तियों का हम लोग जांच करके जिनके पास इस तरह के अपराधों से अर्जित संपत्ति है, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसे हम लोग कहते हैं, वो उनके पास है, उनकी सभी की संपत्ति हम प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास प्रस्ताव भेज के उनकी संपत्ति जब्त करने हेतु उनको अनुरोध करेंगे। सर, हजारीबाग का कुछ एरिया जिसे बताएं गोरहर स्टॉपेज पे जाना जा रहा है, इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? इसमें हम लोग कुछ अपना वहाँ इंटेलिजेंस नेटवर्क भी डेवलप कर रहे हैं, साथ में जो ऑफिसर्स टेक्निकली साउंड है, जिनको इस तरह के क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में रुचि है और जिनको एक्सपर्टीज है, वैसे पदाधिकारियों को भी हम लोग वहाँ पदस्थापित करेंगे। साथ ही हमारा जो साइबर सेल है हजारीबाग मुख्यालय स्थित, इस साइबर सेल को भी मैंने टास्किंग दे दिया है कि इस तरह के
इलाकों को और इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पर लगातार हम लोग नजर रखेंगे और उन पर जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग करते रहेंगे। सेक्सटॉर्शन होता क्या है सर? देखिए, सेक्सटॉर्शन होता यह है कि जिसमें ये लोग एस्कॉर्ट सर्विसेज के नाम पे एक वेबसाइट खोलते हैं, वहाँ कई सारे अपने व्हाट्सएप नंबर्स देते हैं, व्हाट्सएप पे वो एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने का दावा करते हैं और जैसे ही कोई व्यक्ति इस चंगुल में फंस जाता है तो उससे एडवांस में पैसा मांगते हैं एस्कॉर्ट सर्विसेज के नाम पे, और जैसे ही सामने वाला व्यक्ति पैसा दे देता है उस नंबर को व्हाट्सएप पे ये लोग ब्लॉक करते हैं और उस नंबर से वो बात करना बंद कर देते। तो तरीका पहला ये हुआ। दूसरा तरीका ये होता है, यदि ये लोग पैसा देने से इनकार करते हैं तो उन चैट्स का स्क्रीनशॉट लेके अपने उनके परिवार वालों को या समाज में इसे वायरल करने की ये लोग धमकी देते हैं कि आपके द्वारा इस तरह का सर्विस डिमांड किया गया था। तो बदनामी के डर से कुछ लोगों को ये मजबूर करते हैं, ब्लैकमेलिंग करके पैसा देने पे मजबूर करते हैं। तो ये दो प्रकार से ये लोग करते हैं और ये दोनों सेक्सटॉर्शन के संज्ञा में आ सकता है। आम जनता से क्या अपील होगी सर हजारीबाग? आम जनता न सिर्फ हजारीबाग की जनता से, मैं तो बल्कि पूरे राज्य भर के और राज्य के बाहर के भी लोगों को अपील करना चाहूँगा, क्योंकि जो हम लोगों के पूछताछ में आया है कि राजस्थान से, हरियाणा से और बाहर के लोगों से भी इन लोगों ने पैसे ठगे हैं। तो अपील में मैं यही करना चाहूँगा कि इस तरह के जो वेबसाइट है, जो सस्पिशियस वेबसाइट्स है, उस पर कृपया नहीं जाए, किसी भी अननोन लिंक्स को क्लिक ना करें, आपका मोबाइल भी हैक हो सकता है। और पर्टिकुलरली इस तरह के जो भी रैकेट्स चल रहे हैं, यदि आपके भी संज्ञान में कोई इस तरह की बात आती है तो आप हमें सूचित करें। हमारे नंबर सभी जगह पे प्रदर्शित किए हुए रहते हैं, आप किसी भी नंबर पे आप थाना DSP या SP के नंबर पर आप सूचित कर सकते हैं। आपकी जो पहचान है हम लोग गुप्त रखेंगे और इस तरह के जो भी एक्टिविटी करने वाले लोग हैं उन सभी के ऊपर हम लोग जो आवश्यक लीगल वैधानिक कार्रवाई करनी है वो हम लोग अपने स्तर पे इंश्योर करेंगे। सर, हजारीबाग के विभिन्न चौक चौराहा पर सिम कार्ड बिकता है, वो सिम कार्ड का ना जांच होता है, ना पेपर का जांच होता है, दिया जाता है, तो वो कितना बड़ा चैलेंज आप लोग के बन रहा है? नहीं, ये अगर इस तरह की कहीं बात है कि बिना पेपर का सिम कार्ड किसी कंपनी का बेचा जा रहा है विदाउट एनी वेरिफिकेशन, तो उसकी हम लोग जांच कराएंगे, उस पर जो भी आवश्यक कानूनन कार्रवाई वो की जाएगी। पूरा बाजार में सर क्या है ना कि सिम कार्ड कहाँ पे बिक रहा है, बहुत ज्यादा